गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राहुल सिंह एंड टुडे वी आल्सो रीड अबाउट इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर थ्री, ब्रेव बबली, बहादुर बबली। बबली इज वन ऑफ द 9 चिल्ड्रेन ऑफ ए पुअर मैन। सी सेव्ड 6 चिल्ड्रेन फ्रॉम ड्रोनिंग इन द रिवर गंगा। सी गार्ड द बापू गया धनी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ऑन 25 जनवरी 2005 फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बबली जो थी वो अपने गरीब पिता के 9 बच्चों में से एक बच्ची थी। सी सेव्ड 6 चिल्ड्रेन फ्रॉम ड्रोनिंग इन द रिवर गंगा। उसने नदी गंगा से 6 बच्चों को डूबने से बचाया था। सी गार्ड द बापू गया धनी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ऑन 25 जनवरी 2005। सी गार्ड द बापू, वह पाई थी बापू गया धनी नेशनल ब्रेवरी बहादुरी का अवार्ड कब? 25 जनवरी 2005। यानी उसने 2005 में गया धनी नेशनल बहादुरी अवार्ड पाया था फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किससे? प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री से। यानी कि वह जो थी वह बापू गया धनी नेशनल बहादुरी का अवार्ड 25 जनवरी 2005 को प्रधानमंत्री के हाथों से पाई थी। दिस इज हर स्टोरी, यह क्या है? उसकी कहानी है। बबली लिव्स विद द हर फैमिली इन ए स्मॉल मड हाउस ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। बबली ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल बट सी कैन नॉट बिकॉज हर फैमिली हैज नो मनी फॉर द स्कूल फी। होम एवर ही हैज फेथ इन हार्ड वर्क एंड इन गॉड। सी इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड हेल्पफुल। बबली लिव्ड विथ हर फैमिली इन ए स्मॉल मड हाउस ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। बबली जो रहती थी वह अपने परिवार के साथ गंगा नदी के किनारे एक कीचड़, यानी एक कच्चे घर में रहती थी। कीचड़ भरे कच्चे घर में रहती थी जो कि किसके नदी किनारे था? गंगा नदी के किनारे था। बबली ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल, बबली का जो सपना था वो क्या? स्कूल जाने का था। बट सी कैन नॉट बिकॉज हर फैमिली हैज नो मनी फॉर द स्कूल फी। सी कैन नॉट बिकॉज हर फैमिली लेकिन वह नहीं जा पा रही थी। बिकॉज, क्योंकि हर फैमिली हैज नो मनी, उसके परिवार के पास क्या थे? पैसे नहीं थे फॉर द स्कूल फी। किसके लिए? स्कूल फीस भरने के लिए क्या थे? पैसे नहीं थे। हाउ एवर सी ही फेथ इन हार्ड वर्क इन गॉड। इसलिए वह क्या थी? वफादार थी। किस मतलब वह क्या करती थी? अपना कार्य बहुत सी एच फेथ, वह वफादार थी इन हार्ड वर्क। वह बहुत क्या करती थी? कठिन कार्य करती थी। एंड किस पे विश्वास करती थी? और भगवान पे क्या करती थी? विश्वास रखती थी। या सी ही ऑलवेज स्माइलिंग एंड हेल्पफुल, और वह क्या? हमेशा मुस्कुराती रहती थी और दूसरों की सहायता करती रहती थी। सी ऑलवेज हेल्प्स हर मदर विथ वर्क इन द हाउस। वह क्या? अपने घर में अपने माता की क्या करती थी? हमेशा सहायता करती थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, सी गोज टू वॉच द सनसेट ओवर द गंगा। सी गोज टू वॉच, वह देखने जाती थी सूर्य के चमकने को। कहाँ? गंगा के ऊपर जो सूर्य चमकता था उसको देखने जाती थी, जो छिपता था सन उसको देखने जाती थी। सी लव्ड टू सी द ट्विंकलिंग स्टार्स एंड द चेंजिंग शेप ऑफ द मून। सी लव्ड टू द सी, वह क्या? आसमान में तारों को देखना, सितारों को देखना पसंद करती थी। एंड द चेंजिंग शेप ऑफ द मून, और जो चंद्रमा का क्या आकार जो बदलता था उसको भी देखना वो क्या पसंद करती थी। 30 जून 2004, दिस डेट चेंज्ड बबलीज लाइफ फॉर एवर। सी वाज ट्राइंग टू फिनिश हर वर्क क्विकली बिफोर सनसेट। फ्रॉम टाइम टू टाइम सी वुड लाफ एट द फनी एक्शंस ऑफ द सिक्स यंग चिल्ड्रेन प्लेइंग नियर बाई। समटाइम्स दे चेज्ड ईच अदर शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग। समटाइम दे रन अराउंड ए वुडन वेजिटेबल कार्ट विथ फिल्स। वेन दे गॉट टायर्ड ऑफ चेजिंग ईच अदर दे क्लिम्ड ऑन टू द कार्ट एंड स्टार्टेड जंपिंग एंड डांसिंग ऑन इट। 30 जून 2004, यानी 30 जून 2004 को द डेट ही चेंज बबली लाइफ फॉर एवर। इस डेट ने क्या किया? बबली को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सी वाज ट्राइंग टू फिनिश हर वर्क क्विकली, वह अपना कार्य जो बहुत तेजी से क्या खत्म कर रही थी। बिफोर सनसेट,
सूर्य के छिपने से पहले वो क्या अपने कार्य को तेजी से खत्म कर रही थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम शी वुड लाफ एट द फनी एक्शंस। उसी समय वो क्या देख रही थी, छह बच्चे के मजाकिया एक्शन को यानी उनके कार्य प्रणाली को देख रही थी। ऑफ द सिक्स यंग चिल्ड्रेन जो कि उसके पास खेल रहे थे जब वो अपना कार्य तेजी से खत्म कर रही थी, उसी टाइम वह छह बच्चों को हंसी मजाक के अवस्था में देख रही थी अपने ठीक सामने या अपने ठीक समीप। समटाइम्स दे चेज्ड ईच अदर, कुछ समय बाद वह एक दूसरे का पीछा करने लगे, चिल्लाते हुए और दौड़ते हुए क्या करने लगे, एक दूसरे का पीछा करने लगे। समटाइम्स दे रन अराउंड ए वुडन वेजिटेबल्स कार्ट विथ व्हील्स। समटाइम कुछ समय के लिए दे चेज्ड ईच समटाइम दे चेज्ड सॉरी समटाइम दे रन अराउंड ए वुडन वेजिटेबल कार्ट विथ व्हील्स। कुछ समय के लिए वे क्या एक लकड़ी वे वुडन वेजिटेबल कार्ट वह एक लकड़ी का सब्जियों का लकड़ियों कार्ट विथ व्हील्स का क्या सब्जियों के लकड़ियों का क्या करने लगे, पहियों से क्या करने लगे, पीछा करने लगे। व्हेन दे गॉट टायर्ड ऑफ चेसिंग ईच अदर, जब वह क्या एक दूसरे को पीछा करते हुए एक दूसरे का क्या थक गए, दे क्लिम्ड ऑन टू द कार्ट एंड स्टार्टिंग जंप एंड डांसिंग ऑन इट। दे क्लिम्ड ऑन टू द कार्ट वो क्या करे एक लकड़ी के ऊपर क्या चढ़ गए एंड स्टार्टेड जंपिंग एंड डांसिंग ऑन इट, और क्या करने लगे उस पे स्टार्टेड जंपिंग एंड डांसिंग उस पे कूदने और नाचने लगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।